हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा के जो स्टूडेंट हैं, डी फार्मा के बाद अगर वो बी फार्मा करना चाहते हैं, बैचलर इन फार्मेसी बैचलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा और ये करने के जो एडवांटेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेलकम टू माई चैनल मनसा अकेडमी, दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप डी फार्मा के बारे में जानते हैं, 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स करने के बाद कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि साथ साथ में बीएससी करते हैं साइंस में, उसके बाद कोई कोई कोर्स जो है कोई सिंपल जो है ग्रेजुएशन भी करते हैं कोई स्टूडेंट, और उसके बाद में कुछ जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनको डिप्लोमा इन फार्मेसी में इंटरेस्ट आता है कि सर नहीं सर मुझे जो ग्रेजुएशन है वो फार्मेसी में ही करनी है, तो उनके लिए ऑप्शन ये रह जाता है कि आप सीधा का सीधा बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, बी फार्मा में एडमिशन लेने के फायदे क्या रहेंगे कि आफ्टर डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद आपको बी फार्मा में सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो क्या हो गया, आपके डिप्लोमा के 2 साल और बी फार्मा के 3 साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, तो ओवरऑल आपके 5 साल का जो है कोर्स हो जाएगा जिसमें आपको बी और डी दोनों ही फार्मेसी जो है उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। ओके, तो एडवांटेज ये रहेगा कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट जो है बी फार्मा सीधा पढ़ता है तो उसमें थोड़ा उसको धीरे धीरे समझ में आता है, बट डिप्लोमा करके आप बी फार्मा जाओगे तो सेकंड ईयर में लगभग आपको उस कोर्स जो है वो भी सेम टू सेम ही मिलेगा, तो इतना इजी रहेगा आपके लिए। और एडवांटेज ये रहेगा कि आप उस माहौल में, स्टडी के माहौल में, जैसे कि डिप्लोमा में सेम प्रैक्टिकल थ्योरी क्लासेस वगैरह सेम रखती है तो कंटिन्यूटी आपकी स्टडी चलती रहेगी और ये 3 साल भी कब निकलेंगे आपको पता ही चलेगा। तो आंसर इज यस, यस आप अच्छे से बी डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद बी फार्मा कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आपको बी फार्मा के सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ओवरऑल डिग्री जो है आपकी 5 साल की हो जाएगी। उसके बाद आपको बी फार्मा वाला लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा जो कि सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग काम आएगा, डिग्री के लिए सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में काम आ जाएगा। ओके, सो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच।